दोस्तों वन प्लेट की कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों जिसकी लंबाई 40 इंची है, कमर 30 इंची है, हिप 34 इंची है और 13 इंची मोरी है, इस नाप से आपको मैं प्लेट वाली यानी कि वन प्लेट की पैंट की कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों एल स्केल से इस तरीके से निशान लगा लेना है दोस्तों, इस तरीके से, और नीचे भी हम इस तरीके से किनार साइड में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद में हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों इस पैंट की लंबाई 40 इंची है, तो मैं 1 इंची ऊपर निकाल के और इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो दोस्तों हमें 1 इंची ऊपर निकाल लेना है इस तरीके से, क्योंकि आधा इंची हमारी दबाव में चली जाएगी। तो दोस्तों हमारी लेंथ 40 इंची है इस तरीके से, और लगभग हमें 2.5 इंची एक्स्ट्रा लगा लेना होगा तुरपाई के लिए दोस्तों। और हमें एल स्केल से इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से किनार साइड में अच्छे तरीके से मिला लेंगे एल स्केल को इस तरीके से, और एक सीधा मार्का कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों नीचे भी हम इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे एल स्केल को और इस तरीके से सीधा मार्का कर देंगे। इस तरीके से साइड में भी निशान लगा लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों हम लटक रखेंगे, तो लटक दोस्तों हिप के अनुसार रखेंगे। तो दोस्तों हिप इसकी 34 है, तो 34 का हम 1/4 करेंगे, तो लगभग 8.5 इंची आएगा। तो दोस्तों हमें इस तरीके से 8.5 निशान लगा लेना है, क्योंकि इसकी हिप है वो 34 इंची है, तो हमें यहाँ पर चौथा हिस्सा रख देना है। और दोस्तों हमें एल स्केल से इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों दिखा दूँ मैं आपको एल स्केल से हमारी लंबाई है आसन की, वो इस तरीके से 8.5 इंची आएगी दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में इसकी हिप है वो 34 इंची है, तो 34 का हमें यहाँ पर 1/4 रख देना होगा, 8.5, और 1 इंची हमें एक्स्ट्रा रख देना होगा इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हमें एल स्केल से इस तरीके से सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग 1.25 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर गोलाई लगानी होगी इस तरीके से। और दोस्तों हम ऊपर से इसको डाउन करेंगे, लगभग 1.25 इंची इसको डाउन करेंगे दोस्तों इस तरीके से। और डाउन करने के बाद में दोस्तों हमें एल स्केल से इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों सीधा निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको इंची टेप को रखेंगे और इंची टेप को आधा कर लेंगे इस तरीके से। आधा करने के बाद में दोस्तों ये हमारी 5.5 इंची आ रहा है, तो किनार में से इस तरीके से 5.5 निशान लगा लेना होगा। और दोस्तों इसकी मोरी है वो 13 इंची है, तो 13 का हमें यहाँ पर 1/4 कर लेना होगा, लगभग 3.25 इंची हमें यहाँ रख लेना होगा और 3.25 इंची यहाँ रख लेना होगा। टोटल दोस्तों हमें यहाँ पर 6.5 इंची रखना होगा। और दोस्तों हमें एल स्केल से इस तरीके से सीधा मार्का कर देना होगा। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें एल स्केल से इस तरीके से हमें एक रख के और सीधा निशान लगा लेना होगा इस तरीके से एल स्केल से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों मोरी में हमें हल्का सा इस तरीके से शेप लगाना होगा, ताकि हमें तुरपाई करने में असुविधा न हो। और इसके बाद में दोस्तों इसकी कमर 30 इंची है, तो 30 का हम 1/4 करेंगे, तो 7.5 इंची, और 1 इंची हमारी सिलाई की मार्जिन की, और 1 इंची दोस्तों हम प्लेट लगाएंगे इसमें एक प्लेट। तो दोस्तों हमें 1 इंची की प्लेट के लिए इस तरीके से ये बीच का सेंटर है, तो दोस्तों हमें बीच के सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लेना है।
और दोस्तों जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और दोस्तों इस तरीके से हमें एल स्केल से इस तरीके से ये प्लेट का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद में हमें यहाँ पर क्रॉस जेब लगाएंगे तो 2.5 इंची का निशान यहाँ लगा लेंगे और लंबाई पर 7 इंची का लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। और दोस्तों इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और दोस्तों निशान लगाने के बाद में आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमें कट लगा लेना होगा इस तरीके से दोनों साइडों में से। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें कट लगा लेना होगा इस तरीके से और ऊपर भी हमें यहाँ पर कट लगा लेना होगा। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पर हमारी चेन कहाँ पर लगेगी तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमारी पलाई लगेगी दोस्तों, इस तरीके से कट लगा लेना है। और दोस्तों हमें प्लेट डालेंगे उसके लिए भी हमें इस तरीके से कट लगा लेना है 1 इंची का इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको अब बैक पार्ट काटना बता देता हूँ कि बैक पार्ट किस प्रकार से काटते हैं पैंट का। तो दोस्तों हमें कपड़े को इस तरीके से उल्टा करके बिछा लेना है, अर्थात पलट लेना है। और पलटने के बाद में दोस्तों हमें अच्छे से बिछा लेना है। और जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था तो दोस्तों हमें अच्छे से इस तरीके से बिछा लेना है। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद में दोस्तों हमें इन मार्कों को दोस्तों हमें सीधा करना होगा। दोस्तों जो हमने जो निशान लगाए थे इस तरीके से दोस्तों हमें सीधा कर लेना है। और दोस्तों मोरी में भी हमें इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। और दोस्तों हमें साइड में से हमें एल स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें इसकी बेक लगभग 1.5 इंची की उठाएंगे दोस्तों इस तरीके से, और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी कमर है तो दोस्तों इसकी कमर 30 इंची है तो 30 का हम 1/4 करेंगे तो 7.5 इंची पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। और 1.5 इंची एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि 1/2 इंची सिलाई का और 1 इंची की जब हम पॉकेट की डार्ट के लिए और 2.5 इंची एक्स्ट्रा लगा देना है इस तरीके से। और लगभग 2.25 इंची निशान यहाँ लगा देना है। और लगभग 1.25 इंची दोस्तों हमें मोरी में लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हमें सेम फंटी से इस तरीके से इन मार्कों को मिला के और इस तरीके से हमें चौक से निशान लगा लेने होंगे। और दोस्तों हमें नीचे इस तरीके से हल्का सा क्रॉस कर देना होगा। तो दोस्तों अब हम आपको बैक का निशान लगाना बता देता हूँ। दोस्तों इसकी हिप हैं वो 34 हैं तो 34 का हम 1/4 करेंगे तो 8.5, और 1 इंची हमें एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेनी होगी। 1 इंची एक्स्ट्रा लूजिंग इसलिए लेंगे कि 1/2 इंची का दबाव और 1/2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे दोस्तों। और इस तरीके से हमें इन मार्कों को सीधा कर देना होगा। और दोस्तों सीधा करने के बाद में हमें फ्रेंच कवर से इस तरीके से यहाँ रख के और यहाँ पर इस तरीके से हमें दोस्तों गोलाई देनी होगी। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ।
और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। दोस्तों, थैंक यू।